By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारे लेखक हैं वो एक पानी की बूंद से बातचीत कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत में लेखक ने लिखा है कि बेर की झाड़ से मोती सी एक पानी की बूंद उनके हाथ में आ गई और उनकी जो दृष्टि है वो उस बूंद पर पड़ती है। जैसे ही उनकी दृष्टि उस बूंद पर पड़ती है उसे देखते हैं वैसे ही वो रुक गए। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी हथेली से सितार के तारों की तरह ये जो थी बूंद चारों तरफ फैल गई। तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे हथेली से फैल गई है वो बूंद चारों तरफ। ध्यान से देखने पर उन्हें ये मालूम हुआ कि वो पानी की बूंदें दो भागों में बट गई हैं और वो दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रही हैं। मतलब जो उन्हें आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो आवाज़ें वो महसूस कर रहे थे, वो दोनों पानी की बूंदें हिल हिल कर वो आवाज़ें बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बोल रही हों और लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की बूंदें उनसे कुछ कहना चाह रही हैं। लेखक ने यहाँ पानी की बूंदों को क्या माना है, इंसान की तरह, जो मानव होते हैं, जो हम लोग इंसान लोग होते हैं, इनकी तरह उन्होंने पानी की बूंदों को माना है। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, पानी की बूंदों से बात करना शुरू कर देते हैं। तो लेखक उन बूंदों से बात करना चालू करते हैं तो वो पूछते हैं, ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वो लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है और वो लेखक को ये भी बताती है कि बेर के पेड़ की जड़ों के रुएं, जो रूट्स होती हैं, रूट्स की बात हो रही है, जो पेड़ की रूट्स होती हैं उस जैसी असंख्या, मतलब कि बहुत सारी, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस अमाउंट ऑफ जो पानी की बूंदें होती हैं वो छोटी छोटी बूंदें धरती से खींचकर पेड़ ऊपर तक लेकर आता है और फिर उनका उपयोग करता है, और अगर उनका उपयोग वो नहीं कर पाता तो उन्हें बाहर फेंक देता है। पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो पेड़ से। वो कहती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा करने के लिए मेरे जैसी असंख्यत बूंदें, मतलब कि बहुत सारी बूंदों ने इसकी मदद करी है, अपनी कुर्बानी दी है। लेखक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद बूंद पेड़ की जड़ों द्वारा पानी को खींचे जाने और उनका प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करता है। मतलब क्या करता है, पेड़ सबसे पहले जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनको जड़ों से खींचता है और खींच कर उन बूंदों का उपयोग करता है खाना बनाने में। आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सुना होगा साइंस की क्लास में, अगर नहीं सुना तो वीडियो देखना मेरी साइंस की भी जो मैंने बनाई है, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वो खाना बनाने लग जाता है पेड़। अंत में पेड़ के पत्तों के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे कुछ जो वेस्ट वाटर की बूंदें होती हैं, मतलब जिन पानी की बूंदों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनको निकाल देता है। और साथ में ये बात भी वो बताती है कि सूरज के ढल जाने के कारण, मतलब अब सूरज ढल चुका था तो वो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें थीं अब वो भाप बनकर भी उड़ नहीं सकती थीं, इसलिए वो सूरज के आने का इंतज़ार कर रही हैं। लेखक उसे आश्वासन देते हैं कि अब तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। इसके बाद छोटी सी बूंद लेखक को अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है कि मैं कैसे पैदा हुई। बूंद कहती है कि जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, उनके नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, मतलब कि नया, मतलब कि जब हमारी अर्थ बन रही थी उस वाले प्रोसेस की बात हो रही है, यानी ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, जब हमारा पूरा यूनिवर्स बन रहा था, मिल्की वे गैलेक्सी बन रही थी स्पेशली, तब मेरे दो पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सूर्यमंडल में आग के रूप में मौजूद थे। तो जो हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है ये सूर्यमंडल, मतलब कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर आग बनकर घूम रहे थे और सूर्यमंडल लगातार अपने जो उसका मार्ग था उस पर चक्कर काट रहा था। मतलब जैसे सूर्य होता है ना, निश्चित मार्ग जो होता है उनका, जो डिसाइडेड पाथ होता है उसके ऊपर सूरज के सारे प्रोसेस हो रहे थे, सूर्यमंडल चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में ही बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा सूरज जैसा प्रकाश का पिंड दिखाई दिया। ठीक है, इस
पिंड ये जो पिंड था ये बड़ी ही तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसके आकर्षण शक्ति मतलब जो उसकी अट्रैक्शन फोर्स थी, मतलब वो पिंड अपनी तरफ चीज़ों को खींच रहा था, हमारे सूरज को भी उस शक्ति ने कपा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सूर्य से टकरा जाएगा, मगर वो सूर्य से बहुत दूरी से निकल गया और दूसरी दिशा में वो चले गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण, मतलब बहुत स्ट्रांग थी उसकी अट्रैक्शन फोर्स, उसकी वजह से सूरज का जो एक टुकड़ा था, एक पार्ट था, वो टूटकर बट गया, अलग अलग पीसीस में बट गया। उनमें से एक टुकड़ा जो था सूरज का वो है हमारी पृथ्वी, और जो बाकी के टुकड़े हैं अलग अलग आपको प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। ये जो था ये प्रारंभ में एक बहुत बड़ा आग का गोला था जो हमारी पृथ्वी है, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे करके हमारे जो पृथ्वी है ये आग का गोला था, ये धीरे धीरे करके थोड़ी सी इसके अंदर गर्मी शांत हुई। तो लेखक ने बूंद से यही प्रश्न किया कि अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो तुम पानी कैसे बनी अरे बूंद? तो बूंद ने जवाब दिया, अरबों वर्ष में धरती धीरे धीरे करके ठंडी होती चली गई और मेरे पूर्वजों ने आपस में रासायनिक क्रिया कर मुझे पैदा किया। तो यहाँ पर ये बता रही है बूंद कि मैं कैसे बनी, मतलब पानी कैसे बना था धरती के ऊपर। ये बता रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके क्या हैं? पूर्वज। तो इन्होंने रासायनिक क्रिया, मतलब कि इनके बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, जिस रिएक्शन की वजह से क्या चीज़ पैदा हो गया हमारा? वाटर, पानी, जिसको हम लोग ये बोल रहा है बूंद बोल रहा है, बूंद पैदा हुई। किसकी वजह से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से पानी बन गया। पैदा होते समय मैं भाप के रूप में धरती के चारों ओर घूमती थी, फिर धीरे धीरे ठोस बर्फ में बदलने लगी। तो बूंद ये बताती है कि जब वो पैदा हुई थी, जब धरती के ऊपर पहला पानी की बूंदें पैदा हुई थी, तब वो कैसी थी? भाप थी और वो चारों तरफ धरती के घूमती रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब वो ठंड बढ़ती गई तो वो बर्फ़ के अंदर बदल गई छोटी छोटी बूंदें, और फिर लाखों वर्षों बाद दोबारा से जब सूरज की उनके ऊपर गर्म धूप आने लगी, रोशनी आने लगी, तो उसकी वजह से वो पिघलकर पानी के अंदर बदल गई। और इसी वजह से हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े समुंदर, नदियाँ और झीलें, बहुत सारी चीज़ें। बूंद लेखक को कहती है कि नमक से भरे समुंदर में बहुत ही अनोखा नज़ारा था। वहाँ एक से एक अनोखे जीव भरे पड़े थे, जैसे रेंगने वाले घोंगे, साथ में जालीदार मछलियाँ, कई कई केजी के, क्या केजी मतलब इतना ज़्यादा वेट था, मन जिसे बोलते हैं हम लोग, कई कई मन के भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ आदि सब देखने को मिलते थे समुंदर के अंदर। और समुंदर की अधिक गहराई में जंगल, छोटे ठिगने व मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ, गुफाएँ और घाटियाँ भी थीं जहाँ और भी अन्य तरीके के जीव जंतु रहा करते थे। बूंद लेखक को आगे बताती है कि समुंदर के अंदर से बाहर आने में भी आसानी नहीं होती, बहुत मुश्किल से बाहर निकलना पड़ता है समुंदर से। उसने समुंदर से बाहर आने के लिए कई कोशिशें करी, कभी चट्टानों में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश, तो कभी धरती से किसी ऐसी जगह पर जाने की कोशिश जहाँ से सुरक्षित जगह से वो बाहर निकल सके, लेकिन वो किसी भी कोशिश में सफल नहीं हुई। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद अंत में वो एक ज्वालामुखी से जा टकरा पड़ी। जैसे ही वो ज्वालामुखी के पास जाती है, जिसे हम लोग वोल्केनो बोलते हैं, वो इरप्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा से जो हमारी ज्वालामुखी की गर्मी के कारण फिर दोबारा से जो ये बूंद थी ये क्या बन जाती है? भाप, भाप के अंदर प्रवर्तित हो जाती है और आसमान में उड़ चली। फिर बादल के रूप में वो प्रवर्तित हो जाती है, मतलब बादल बन जाती है, ठीक है। अब बादल बन गई, जैसे ही भाप वैसे ही क्या होगा, दोबारा से बारिश होकर वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, और बारिश होकर ज़मीन के ऊपर आने के बाद क्या होगा, नदी के रूप में वो बहने लगती है, किसी नदी के अंदर जाके मिल जाती है। तभी वो एक नगर के अंदर पहुँचती है जहाँ पर एक नल था, और नल के द्वारा उसे खींचा जाने लगा, मतलब कि खींचा जाने के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ा नल के पास से। महीनों तक नल में घूमने के बाद एक दिन नल के टूटे हिस्से से बाहर निकल आई वो बूंद, और उसने बेर के पेड़ के पास अटक गई। तो उसने क्या करा, फटाफट बेर के पेड़ के पास जाकर वो अटक गई। अब सुबह होने तक का इंतज़ार वो बूंद कर रही थी,
ताकि वो फिर दोबारा से भाप बन जाए। और सूर्योदय होते ही ओस की बूंद धीरे धीरे, जैसे ही सूर्योदय हुआ ओस की बूंद धीरे धीरे क्या हुई, घटती गई, मतलब कम होती गई, और देखते ही देखते लेखक की हथेलियों से गायब ही हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो आपसे मैं सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, आखिर कहाँ पर मिली थी लेखक को ओस की बूंद। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।